हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ अपना ग्लोइंग नाइट टाइम स्किन के रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसे कि मैं वन वीक से ट्राई कर रही हूँ और समर्स के लिए दिस इज द बेस्ट कितना अच्छा लगता है ना कि रात में सो जाओ और सुबह उठो हमारी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाए अब आप सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है

तो मेरे साथ वीक चैलेंज लेके देखो आप खुद अमेज हो जाओगे के भी nice, तो अगर आप भी बिना फिल्टर के अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हो ना कि नेचुरली नो मेकअप लुक के साथ भी आप बिल्कुल अच्छे लगो तो आपको इस कंसिस्टेंट रूटीन को जरूर फॉलो करना है सिर्फ वन वीक मेरे कहने से उसके बाद आप खुद ही नहीं छोड़ने वाले

और अच्छे से प्रॉपरली इन्हें क्लीन करके बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है अब हम कोई भी ऑयल लेंगे एनी ऑयल यू हैव चाहे आपके पास कोकोनट ऑयल है, तो है आलमंड ऑयल है कोई भी ऑयल तो मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ले रही हूँ और मैंने अच्छे से इससे अपने फेस पे मसाज कर लेनी है आपको ज्यादा ऑयल नहीं लेना है कुछ बूंदे लेनी है ताकि जितना भी आपके पोर्स में डर्ट है ना इम्प्योरिटीज है वो सारी गल के बाहर आ जाए जब आप ऑयल से मसाज करते हो ना तो ऑयल से आपके जितने भी डर्ट होती है ना फेस पे वो ऑटोमेटिकली आपके स्किन की अपर लेयर पे आ जाती है जिससे कि आपके पोर्स की क्लीनिंग हो जाती है नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप अब हमने अपने पोर्स के अच्छे से क्लीनिंग कर ली है ना अब उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम यूज करेंगे फेस वॉश ताकि जितना भी डर्ट और इम्प्यूरिटी निकले वो सारी की सारी बाहर निकल जाए तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना डीआईवाई फेस वॉश क्योंकि इसके रिजल्ट अमेजिंग है आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो डली हुई है आप चाहो तो आपके पास जो भी फेस वॉश है आप उसे यूज कर सकते हो अच्छे से अपने फेस का एक एक, एक एरिया आपको क्लीन करना है और उसके बाद स्प्लैश वाटर और आपका फेस बिल्कुल से क्लीन हो जाएगा इतना क्लीन की आपको दरान हो जाओगे कि इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल डीप हो जाएगा आपके फेस क्योंकि पे हमने डबल कर लिया अगर आप मेकअप करते हो ना डेली बेसिस पे तो डबल क्लेंजिंग वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मेकअप के बाद अगर आप डबल क्लेंजिंग नहीं करते हो ना तो आपकी स्किन पे ब्रेकआउट हो जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है तो नाउ फॉर द थर्ड स्टेप अब हम करेंगे अपने फेस पे आइस मसाज समर सीजन में अगर आप आइस मसाज नहीं कर रहे हो ना तो आपने कुछ भी नहीं किया आपको आइस मसाज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फेस वॉश करना इम्पोर्टेंट है अगर आप आइस मसाज करते हो ना तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं मैंने ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स इंस्टाग्राम पे शेयर किए हुए हैं मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है शिवानी स्किन केयर टिप्स के नाम से गो एंड फॉलो मी देयर आपको वहां पे भी बहुत अमेजिंग स्किन केयर टिप्स मिलेंगे तो आपको आइस मसाज बहुत अच्छे से करनी है अपनी आईस पे फेस पे एवरीवेयर जब आप आइस मसाज करते हो ना तो इससे आपके पिंपल्स भी दूर होते हैं आपके फेस पे ग्लो भी आता है आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे आपकी स्किन रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करती है तो अगर एक आइस लगाने से आपको इतने बेनिफिट मिलते हैं तो क्यों ना लगाए और आइस में कौन सा हमारा खर्चा हो रहा है फ्रिज में से आइस निकाल लो और इसे अप्लाई कर लो आई एम यूजिंग आइस रोलर अगर आपको भी आइस रोलर चाहिए तो आप एमेजोन से इजिली ऑर्डर कर सकते हो तो गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर अपने लिए बिल्कुल सस्ता से अंडर रुपीज हंड्रेड आपको मिल जाएगा और इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते कभी आप रॉ मिल्क के आइस क्यूब्स लगा लो कभी आप रोज वाटर के आइस क्यूब्स लगा लो जो भी आपका मन करे एलोवेरा के आइस क्यूब्स लगा लो लेकिन आपको डेली बेसिस पे रात को आइस क्यूब जरूर लगानी है ताकि आपकी स्किन को इसके मल्टीपल बेनिफिट मिल सके तो आइस मसाज के बाद आपको अपने फेस को वाइप आउट कर लेना विद द हेल्प ऑफ टॉवल आप माइक्रोफाइबर टॉवल यूज किया करो अपने फेस के लिए तो आपको अपने फेस के लिए टॉवल तो तो अलग रखना है क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है और उसे डेलिकेट केयर की जरूरत भी है तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है तो अच्छे से फेस को वाइप आउट करने के बाद हल्का हल्का गीला ही रहने देना अब आपको लेना अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर जो भी आप अप्लाई कर रहे हो जो भी आप यूज कर रहे हो उसे लेना और अच्छे से अपनी स्किन पे कर लेना अप्लाई आप डैम्प स्किन पे ही अप्लाई करना ताकि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिले और जो आपका मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर सके ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे ना तो हाइड्रेशन का रिजल्ट तो आप देख लेना कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी तो ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ स्किन केयर रूटीन से मेरी स्किन ट्रांसफॉर्म हुई है लिटरली इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको भी तो बिल्कुल ईजी सा है सेकेंड थिंग कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा आपका बस आपको इसे अपने लिए करना है तो डू इट फॉर यूर थोड़ा सा पेम्पर खुद को करो और फिर जो आपकी स्किन आपको पेम्पर करने वाली है ना वो देख के आप खुद हैरान हो जाओगे तो अगर आपको भी अपनी स्किन की करना, अपनी की केयर केयर करना करना अपने अच्छा लगता है ना तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल में बहुत ही अच्छी अच्छी रेमिडीज देकर आती रहती हूँ जिससे कि आपकी स्किन और आपके हेयर्स टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माई वीडियो डू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑलसो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे वो बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी क्योंकि कभी कभी हमारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता है जो कि मिस हो जाता है आप मेरे साथ शेयर करना मैं डेफिनेटली आपके लिए उस भी वीडियो बनाऊंगी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय